सबसे पहले तो वेलकम ऑन ग्लिच विजन यूएसए। हाय, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे किस तरह से इस टाइम पर जब वापस एक तरीके से लॉकडाउन लग गया है तो कैसे आप मैनेज कर रहे हो। वैसे तो मतलब ये लॉकडाउन जो है काफी इजमेंट के साथ है, मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं बट बाकी सब लोगों के लिए भी। हाँ, शूटिंग्स मुंबई में महाराष्ट्र में बंद है, बट कुछ लोग बाहर जाकर शूट कर रहे हैं। बट आई थिंक समझना चाहिए कि ये चेन तोड़ने के लिए है। ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत है कि मुंबई में शूट होने से कोई प्रॉब्लम थी, बट अफकोर्स आप अब यहाँ से वहां जाकर कहीं और भीड़ करोगे तो अफकोर्स वहां पर केस पड़ेंगे। सो जैसे लास्ट ईयर हमारे पास कोई मतलब हमें पता ही नहीं था कोविड है क्या, और तो काफी डर था लोगों में, इसीलिए लोग खुद से भी घर में बैठ रहे थे। अब लोगों में डर से ज्यादा वो हो गई है, क्या बोलते हैं, जरूरत हो गई बाहर पड़ना, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब सबकी इतनी सेविंग्स नहीं होती। मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडिया डेली वेज अर्नर्स है, लेकिन सुबह से शाम तक काम करते हैं, 2-4 रुपए कमाते हैं, फिर तो उसी से अपने खाने के लिए शाम के लिए कुछ चीजें खरीद के खाते हैं। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उन लोगों के लिए भी कुछ चीजें कर रही है, जैसे फ्री मील्स कर रही है और वो सब कर रही है, बट लोग अभी काफी रेस्टलेस हो गए। बट आई थिंक थोड़ा अभी जरूरत है, बिकॉज बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, एंड अगर हद से ज्यादा केस बढ़ गए तो प्रोबेबली जो अपर क्लास है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग। आई थिंक दे विल मैनेज थिंग्स एंड दे विल मैनेज टू कीप देम सेल्फ फाइन, बट जो हमारे जैसे मैंने कहा डेली वेज अर्नर्स है उनके लिए एक मतलब आई रिमेम्बर लास्ट ईयर रेमडेसिविर का इंजेक्शन 50-50 हज़ार में लग रहा था लास्ट ईयर जब कोविड जो स्टार्ट हुआ था, बिकॉज उसका डिमांड नहीं, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम था। बट अब आई थिंक 2,000 रुपीज तक आ गया, बट 4,000 रुपीज का इंजेक्शन भी एक जो डिलीवरी जर्नर है उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। सो आप सोचिए अगर ये बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग दैट वी नीड टू स्टे एट होम, एंड ऑल्सो इफ वी आर नॉट स्टेइंग एट होम, इफ वी आर गोइंग आउट वी नीड टू फॉलो द रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस दैट आर देयर। ओके, शिव्या की तरफ से अगर पूछा जाए तो रियली मिसिंग यू बोथ ऑफ यू टुगेदर, क्योंकि पहले जैसे पब्लिक अपीयरेंस आप लोगों की होती थी, लाइक अवार्ड शोज पे आते थे, इवेंट्स पर आते थे, तो अभी फिलहाल वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पिछले 1-1.5 सालों से। तो क्या कहेंगे आप लोग, ऐसे ऑफ ऑफ द लाइमलाइट मिलते हैं कैसे, मतलब कुछ भी अपडेट ही नहीं पता होती है लोगों को ज्यादातर तो। आई थिंक वो मिस्ट्री में ही थोड़ा ज्यादा मजा है। कुछ रूमर्स भी चलते रहते हैं एंड वो एक मिस्ट्री बनी रही है, सो आई थिंक दैट्स गुड। आई थिंक रिसेंटली देयर वाज आइटा दैट हैपेंड एंड बट आई वाज नॉट इन मुंबई दैट टाइम। शिव्या वाज देयर, शिव्या आई थिंक अटेंडेड द अवार्ड फ्रॉम, बट आई वाज यस, नॉट देयर इन मुंबई एट दैट टाइम, सो आई एंड कुडंट वी अटेंड इट। एक्सपेक्टेड यू टू ऑल्सो कि आप भी साथ में रहोगे आओगे, लेकिन आप नहीं थे, तो देर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू, बट हाँ एग्जैक्टली, देन मैंने टू इसलिए कहा ना कि मिस्ट्री बनी रही है, एंड ठीक है कभी कभी एक पॉइंट तक वो मिस्ट्री बनी रहे तो भी अच्छा है सबके लिए। सो ओके, बट वी हर्ड इसीलिए दैट आई शिव्या कुडंट इज टॉक टू आइटा, एंड ऑल्सो लाइक यू नो आई वॉज आउट, आई वॉज शूटिंग एंड हम मुझे कोई अवार्ड भी नहीं दे रहा था, तो मतलब ऐसे नहीं था कि काम छोड़ के वहां भाग कर रहा हूँ। ओके, राइट सो वी हर्ड दैट शिव्या इज डूइंग वन शो, सो इज दैट यू आर अवेयर अबाउट एनीथिंग, मतलब लाइक कोई कोई शो कर रही है वो, अच्छा, मुझे नहीं पता कौन सा शो कर रही है। लाइक कोई हॉरर सीरीज है जिसका अभी नाम नहीं आया, इट इज अनटाइटल्ड येट। आई हैव हर्ड अबाउट शी डूइंग इट, एंड यस इट्स अ न्यू शो फॉर सोनी, बट आई कांट गिव आउट मच मोर डिटेल्स अबाउट इट, बट आई थिंक इट विल बी फन वाचिंग शिव्या डूइंग अ हॉरर शो, बिकॉज़ शी इज ऑलवेज प्लेड दैट प्रिंसेस, ब्यूटीफुल डिज्नी प्रिंसेस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। एक छोटा सा बिट हमारे शो में एक रिश्ता में था, वेर शी वाज प्लेइंग वो साची का भूत बन के आई थी, बट वो बहुत ही नॉर्मल सा था। सो शी डूइंग अ हॉरर थिंग, आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हर डू दैट, एंड
थिंक इट्स गोना बी चैलेंजिंग फॉर हर ऑल्सो. तो लाइक यू नो इट्स एंड ऑलवेज वी एक्टर्स लुक फॉर चैलेंजेस, लाइक यू नो टू डू समथिंग दैट वी नॉर्मली डोंट डू एंड व्हाट वी नॉर्मली आर नॉट परसीव्ड एज. उसके बाहर कुछ करने में हमें ज्यादा चैलेंज आता है टू मेक बिलीव द ऑडियंस कि वी कैन डू दिस ऑल्सो. ओके, इन दिस लॉकडाउन पीरियड ओनली आपको राधा कृष्णा मिला था. व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर बॉन्ड ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन विद सुमेध एंड मल्लिका? माय बॉन्ड विद सुमेध एंड मालिका, आई थिंक इट्स अ वेरी अनस्पोकन बॉन्ड, वेरी एफर्टलेस बॉन्ड. नॉर्मली होता है आप कभी किसी से मिलते हो, पहली बार मिलते हो, तो आप इंट्रोडक्शन होता है, वक्त बिताया जाता है साथ में, फिर वो एक बॉन्ड डेवलप होता है. बट आई थिंक विद सुमेध एंड मालिका, पहली बार मैं उनसे जब फर्स्ट एपिसोड ऑफ राधा कृष्ण शूट हो रहा था आज से 2 साल पहले, तब मैं मिला था. तब से ही मतलब इतनी ज्यादा दोस्ती है ऐसे कुछ नहीं थी, बट एक वॉर्म हमेशा एक था एक दूसरे के लिए. एंड ऑफकोर्स जब मैं अर्जुन प्ले करने के लिए उमरगांव गया था, तब उसके बाद में तो आई थिंक बहुत एफर्टलेसली जो बॉन्ड्स डेवलप हुए, लाइक सुमेध इज लाइक माय लिटिल ब्रदर, मालिका मेरी राखी सिस्टर है. सो लाइक ना आई थिंक कई बार चीजें होती है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं होती, बट जस्ट आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. एंड जैसे आपने पहले कहा था लाइक यू नो फ्रॉम पिक्चर्स ऐसे ही पता चलता है कि आपका क्या बॉन्ड है. आई थिंक वही बॉन्ड है, आई थिंक उसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरह का बॉन्ड. ओके, आप फैंस जरूर जानना चाहते हैं कि आप स्क्रीन से क्यों गायब है, मतलब स्क्रीन से एक दूरी क्यों बना के रखी है आपने? मैंने कोई ऐसी दूरी बनाकर नहीं रखी है. सो ऑफ कोर्स आफ्टर राधा कृष्ण मैं देहरादून में था, वो शूटिंग फॉर अ वेब फिल्म विच इज आई थिंक प्रीवियसली वर्किंग टाइटल उसका था क्रेजी सैया. एंड बट आई थिंक द फाइनल टाइटल इज गोना बी प्यार मांगा है तुम्ही से. एंड आई थिंक इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन राइट नाउ, उसका डबिंग और ये सब जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है वो चल रहा है. एंड होपफुली मिड ऑफ दिस ईयर आई थिंक वी गेट टू वॉच इट ऑन वन ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. तो एक वो चल रहा है. उसके अलावा टेलीविजन को लेकर कोई नया शो ऐसे आया नहीं है, मुझे अप्रोच नहीं किया है जो मुझे एक्चुअली लेके हाँ यार लेट्स डू इट. देयर वर फ्यू शोज, ऑनगोइंग शोज जिसमें कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, बट जब ये हो रहा था तब मैं प्यार मांगा है तुम्हें से करने में बिजी था इन देहरादून. एंड ऑफकोर्स दे वर नॉट वेरी challenging also for me as an actor, so I thought might as well take a little time, खुद को थोड़ा वक्त देकर फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आता. और रियलिटी शोज को लेकर के क्या कहेंगे, उसमें कितना रुझान और इंटरेस्ट है फिलहाल? आई थिंक खतरों के खिलाड़ी हमेशा से मेरा एक फेवरेट शो रहा है, जो हमेशा मैं मतलब विश करता हूँ कि अगर मैं कोई रियलिटी शो करूँ तो खतरों के खिलाड़ी करूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज समथिंग व्हाट आई एम, इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू मी. I would enjoy doing it and I think I can win it. चाहे कोई एंड भी व्हाट हो अबाउट सामने. ओके एंड व्हाट अबाउट नच बलिए, बिकॉज यू हैव बलिए टू? नच बलिए के लिए अभी एक्चुअली किसी ने अप्रोच नहीं किया है. यस ड्यूरिंग एक रिश्ता बात चल रही थी, बट हम शूट को ही लेकर इतना बिजी थे तो वो चीजें मैनेज करना पॉसिबल नहीं था. बट ऑफकोर्स अगर अप्रोच करते हैं तो वी वुड थिंक अबाउट डूइंग इट. नॉट दैट आई एम अ वेरी ग्रेट डांसर, बट आई एम नॉट इवन अ बैड डांसर, एंड आई थिंक इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक यू नो हैव माई जर्नी फ्रॉम नॉट अ ग्रेट डांसर, और सॉरी नॉट अ बैड डांसर टू अ वेरी गुड डांसर. वो बहुत अच्छा होगा एंड बहुत मजा आएगा वो करते हैं. ओके, लेकिन अगर आप लोग ये चीजें ऑन फ्लोर आती है और होती है तो शिव्या कितनी बेहतर वे में इस चीज को कोप नहीं है डांसिंग में, तो हाउ शी विल मैनेज? क्या वो अच्छे से डांस कर लेती है या वो भी ओके ओके इज लाइक आई थिंक मतलब बहुत अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि क्या है आप किसी चीज में बहुत अच्छे तब होते हो जब आप बहुत रेगुलरली उस चीज को कर रहे हो. सो लाइक यू नो बट आई थिंक शिव्या इज समवन हु लव्स डांसिंग, सो आई थिंक शी विल आल्सो एंजॉय डूइंग इट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस. एंड या आपने तो शिव्या को मतलब राधा कृष्ण में भी फर्स्ट एपिसोड में सीता अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस करते हुए देखा है. सो आई थिंक शी इज समवन हु लव्स एडवेंचर एंड शी इज समवन हु लव्स डांसिंग ऑल्सो. सो
कोई ऐसा डांस फॉर्म भी जो उसके लिए नया होगा, शी विल लव डूइंग इट. सो आई थिंक, या आई थिंक वी कैन मैनेज इट, एंड आई थिंक वी कैन डू इट आल्सो इफ वी एंड अप. ओके, अगर किंशुक से पर्सनली उनके चॉइस पूछी जाए एक्टिंग को लेकर, तो किस तरह का किरदार अब आप देख रहे हैं, लाइक कोई कॉप प्ले करने का, या फिर कुछ ऐसा जो थोड़ा रगेड हो, थोड़ा सा हार्श हो, ऐसा कुछ आपने सोचा? क्योंकि अब तक आपको जो एक इमेज मिली है वो या तो माइक्रो में बहुत पोलाइट वाली इमेज मिली है, या तो फिर स्क्रीन पर एक चॉकलेट बॉय की इमेज कहीं ना कहीं दिखाई है, तो आप कुछ ऐसा अलग ट्राई करना चाहते हैं ऐसा कुछ? मैं ऑफ कोर्स ट्राई करना चाहता हूँ. मैंने हमेशा से कहा है कि लाइक यू नो डूइंग अ कैरेक्टर लाइक व्हाट शाहरुख खान प्लेड इन कर और बाजीगर इज समथिंग आई वुड एंजॉय डूइंग पर्सनली आल्सो, बिकॉज जैसे मैं कह रहा था लेकिन एज एक्टर्स वी लव डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स, लव डूइंग थिंग्स दैट वी आर नॉर्मली हमको उस रूप में नहीं लोग इमेजिन करते. वो चीजें करने में बड़ा मजा आता. आपने एक कंफर्ट जोन के बाहर जाकर आप 10 अलग चीज एक्सपेरिमेंट करते हो, उन चीजों में बड़ा मजा आता है. सो आई थिंक ऐसा कुछ कैरेक्टर है जो मैं करना चाहूंगा. एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ टू प्ले अ कॉप ऑल्सो, मतलब बीच में एक शो है मैं जिसके जिसका नाम नहीं लूंगा, जिसके लिए प्रोड्यूसर ऑल्सो ट्राइड अलोंग द चैनल वाज लाइक ही डज नॉट लुक लाइक अ कॉप, लाइक ही लुक्स वेरी यंग, लाइक यू नो ऐसे लगता है कि जस्ट वो ये व्हेन द कैरेक्टर वाज ओपन एसीपी और लेकिन ना, एंड वो काफी अच्छा कर भी रहा अभी शो. इट्स वन ऑफ द मेन प्राइम टाइम शोज आल्सो. सो या सो आई नो आई लुक वेरी यंग, इवन दो आई एम नॉट यंग आई डू लुक वेरी यंग. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वुड नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू प्ले अ कॉप. हाँ बट ऑफकोर्स आई कैन प्ले अ स्पाई और समथिंग लाइक यू नो अंडर कवर कॉप काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वैसे कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ लेकिन नो इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ, राइट राइट दिस हॉलीवुड की एक सीरीज है, सीरीज नहीं सॉरी मूवी है जिसका नाम मैं भूल गया, बट ये काफी टीनेजर्स ही होते हैं जो स्पाइज होते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको रिक्रूट करती है, बिकॉज नॉर्मली कोई किसी बच्चे को या टीनेजर को एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये स्पाई होगा. ऐसी एक मूवी थी या शो था कुछ वैसा अगर हम इंडिया में बनाए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी कैन डू लेकिन having these, as you said, chocolate boy, sweet, polite looking people as actually being those spies and like, you know, helping the world overcome all the negative things or something like that. Probably COVID का जमाना चल रहा है तो ऐसे ही हम कुछ बना सकते हैं जिसमें जाकर ये पता लगा कि COVID कहाँ से हुआ, एक्चुअली सच में फैला है कि क्या है. सीरियसली? नहीं जैसे अभी आपने मेरे क्रिएटिव साइड को टच कर दिया तो मैं सोचने लग गया कि क्या क्या कर सकते हैं. ग्रेट, ओके। सो एज यू हैव सीन कि अभी बहुत सारे सीजन 2 आ रहे हैं, जितने भी पुराने शोज थे उनके, साथ निभाना साथिया, ससुराल सिमर का 2, तो आपने देखा ही होगा। तो किस तरह से, अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले, तो आप कौन से सीजन 2 का हिस्सा बनना चाहेंगे? प्रतिज्ञा 2 आया है, ऐसे एक रिश्ता साझेदारी का होना चाहिए सीजन 2, आपको लगता है ऐसा? आई थिंक अगर हुआ तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज इनिशियली जब 2016 में एक रिश्ता आया था तब काफी लोगों ने देखा था, बट पिछले लॉकडाउन में और भी ज्यादा लोगों ने उस शो को देखा है. मतलब कम से कम 3-4 साल बाद, एंड काफी लोगों ने मैसेज किया है कि यार हमें ये और देखना है, यू नो वी वुड लव टू वॉच एक रिश्ता. तो आई डोंट नो इफ सोनी हैपेंस टू डू समथिंग लाइक दैट और कविता मैम, कौशिक सर थिंक ऑफ डूइंग इट, और लाइक यू नो कोई अगर सोचे ये करे तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज एक रिश्ता वाज अ वेरी डिफरेंट शो इन अ वे, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं था. अगर कोई इशू है तो सिचुएशनल इशू होता है जो हमारी लाइफ में नॉर्मली होता है कि हम अपने परिवार में, मतलब आजकल हम टेलीविजन में बहुत देखते हैं कि यार सास चाहती है कि बहू जल जाए, बहू के हाथ पे उबलती दाल गिर जाए और फिर वो कुछ कपट करते, ऐसे नहीं होता था उसमें. लाइक यू नो कभी कभी एक्चुअली आउट ऑफ बैलेंस बर्तन गिर जाता है और कोई इंटेंशनल किसी का बुरा नहीं चाहता था. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी शो विच हैड अ लॉट ऑफ फैमिली वैल्यूज, संस्कारी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज अ बच्चे शो, सो वो सब चीजें. सो आई थिंक वर्ल्ड इज नीड ऑफ पॉजिटिविटी राइट नाउ, बिकॉज वी ऑल आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ. द एंटायर वर्ल्ड इज
गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो लाइक यू नो समथिंग वेरी लाइट हार्टेड प्लीजिंग विल बी ग्रेट टू. और ये शो आपके लिए, जहां तक मेरी जानकारी, आपके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल होगा, क्योंकि इसमें आपको साथी जो ऑन स्क्रीन मतलब शिव्या थी, वो आपको बहुत इनफैक्ट ज्यादा ही मतलब इन डेप्थ जानने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं मौका मिला बतौर गो एक्टर। एक रिश्ता विल ऑलवेज बी माय फेवरेट एंड अ स्पेशल शो बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज माय कमबैक शो आफ्टर शाकालाका बूम, सो वो चीज थी. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ बरजाते शो, जैसे मैंने बोला इतने सारे मतलब आई थिंक देयर वाज नो रीजन टू नॉट डू दैट शो. मतलब लोगों ने मुझे हमेशा पूछा कि व्हाई डिडंट यू वेट और व्हाई डिडंट यू ट्राई फॉर फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट, एंड मैंने हमेशा यही कहा कि लाइक यू नो आई हैड इंटेंशंस ऑफ डूइंग फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट, बट जब एक रिश्ता मेरे पास ऑन पेपर आया, जब अप्रोच हुआ उसका कॉन्सेप्ट, जब हमने डिस्कस किया था ऑफिस में बैठकर कौशिक कौशिक दादा और कविता मैम के साथ, सो आई हैड नो रीजन टू से कि लाइक यू नो आई वुड नॉट वांट टू डू दिस शो, आई वुड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, लाइक यू नो वेदर इट इज ऑन टेलीविजन और वेयर, बट द होल आइडिया एंड द होल कॉन्सेप्ट वाज सो गुड. I wanted to do it. Yes, apart from that, I met a lot of people जो आज भी मेरे जिंदगी का हिस्सा है. Even in fact, एक रिश्ता का जो पूरा परिवार वो आज भी इन टच है. ऑलमोस्ट रोज हर किसी की ग्रुप पर बातें होती रहती है. लास्ट ईयर जस्ट बिफोर लॉकडाउन हम मेरे घर पर मिले थे, और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था. इनफैक्ट अभी भी अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो इस साल भी फिर मिलने का प्लान बना था, क्योंकि लेकिन किसी ने ग्रुप पर शेयर किया था यार लास्ट ईयर हम सब मिले थे किशु के घर पर, सो आई वाज लेकिन ओके चलो आई वाज आउट ऑफ टाइम, सो लाइक द मिनट आई कम बैक टू मुंबई वी विल प्लान मीट अप, बट बाय द टाइम आई केम बैक टू मुंबई इस लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की चीजें हो गई, सो इट कुडंट हैपन, बट ऑफ कोर्स जैसे भी ये चीजें खुल जाएंगी वी ऑल विल बी मीटिंग अगेन. सो या इट विल ऑलवेज बी अ स्पेशल शो फॉर. ओके एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट, आपने स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ भी काम किया है एज वेल एज आपने बरजात्या के साथ लाइक राजश्री प्रोडक्शन के साथ भी काम किया है, और दोनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक फेमस प्रोडक्शन हाउस है जिसके तले हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई एसोसिएट होना चाहता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा अगर फेवरेट पूछा जाए आपके दिल के सबसे करीब, तो कौन सा शो होगा, मतलब कौन सा प्रोडक्शन हाउस होगा? I don't know, for some reason I have always been blessed to work with amazing productions, like even as a child actor and also after growing up, because jab main chota tha jab I have worked with UTV, UTV later on of course after Shakalaka Boom and all they went to become a big production, was Ronnie Screwvala. Aaj ab Ronnie Screwvala is now having his own फिल्म प्रोडक्शन कंपनी राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स यूटीवी हम सबको पता है यूटीवी कितना एक्सपांड हो, सो आई थिंक दैट वाज वन, मतलब जो आप बोलते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप काम करते हो वो वाला एक्सपीरियंस यूटीवी के साथ. उससे अलावा आप देखने जाओ तो बीआर फिल्म्स, बीआर चोपड़ा जी जो है जिन्होंने पुराने वाली महाभारत बनाई थी, उनके साथ मैंने तीन चार शोज किए. मैंने विष्णु पुराण किया उनके साथ, बीआर फिल्म्स का रामायण है वो किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. फिर मैंने उनके साथ एक टीडी के लिए शो किया था चमत्कार, लेकिन कोई मिल गया जो ऋतिक की फिल्म थी उसके ऊपर थोड़ा बेस जैसे था, लेकिन एक एलियन आता है ही ब्लेसेस अ किड, सो आई वाज द किड जिसके साथ, लेकिन उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है सब उसको ओवरकम करने में मदद करता है. सो बट हाँ इफ यू आस्क मी इन माई लाइफ आई वर्क विद अजय देवगन फिल्म्स, लेकिन व्हेन आई डिड राजू चाचा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, यस आफ्टर ग्रोइंग अप आई डिड I work with Bajatiyas, I work with Swastik. So, but अगर मुझे कभी भी पूछा जाए कि आज तक लाइफ में मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्शन हाउस कौन सा रहा है, I will always say it was BR Films, doing Vishnu Puran with them, and personally Ravi Chopra ji was directing it, and I don't think इस पूरे दुनिया में, I don't know if you ever met him or something, but आप इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं जो रवि चोपड़ा जी से मिले, I don't think कोई भी एक इंसान रहेगा जो आप से उनके बारे में कुछ बुरा बोलेगा, और जो चीजें मैं उनके बारे में बोलूंगा हर बंदा वही चीज बोलेगा, सो इट इज लाइक यू नो पता नहीं जैसे आपको लगे कि यार ये हर बंदा कोई डिसाइड करके आया कि इनके बारे में यही बोलना है, बट वो एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ मैंने बहुत सीखा है, काम सीखा है, एंड इनफैक्ट मैंने जब बीआर चोपड़ा बीआर फिल्म्स में जब काम किया था वो 7 और 8 ईयर्स ओल्ड, सो इट वाज
लाइक अ जर्नी, माई जर्नी वेर आई एक्चुअली डिसाइडेड कि लाइक यू नो अभी तो एज हॉबी था बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली टेक दिस थिंग एज करियर एंड डू इट. एंड फैक्ट आफ्टर दैट आई डिड राजीव, आफ्टर दैट आई डिड शाकल एल्बम. या बट विष्णु पुराण वॉज माई वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट आई एवर डिड विद अ वेरी बिग प्रोडक्शन. ओके, इसमें कहीं से भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन और स्वास्तिक का नाम नहीं आया कोई ये तो बात बहुत ही अच्छे प्रोडक्शंस है, मैं तो आज भी कहता हूँ. लेकिन ना स्वास्तिक में आप जाओगे तो मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन जिस तरह से हमने जितने सेफ्टी के साथ और स्ट्रेस फ्री रहकर हमने काम किया, अलग दुनिया है स्वास्तिक की, एक अलग दुनिया है उमरगांव में. मतलब यू आर अवे फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, बाहर जो भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक उस प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में हो आप. एंड आई थिंक जो स्वास्तिक आज उमरगांव में कर रहा है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो स्वास्तिक के छह छह आठ आठ शो चल रहे होते थे. लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर उन्होंने पूरा एक कॉम्प्लेक्स रेंट करके रखा हुआ है जहाँ पे 250 से 300 फ्लैट स्वास्तिक ने रेंट किए हुए. सो 250 300 फ्लैट्स में रहने वाले लोग, उनका खाना सब मैनेज करना, पूरा लॉजिस्टिक जिस तरह से स्वास्तिक वर्क करता है, इट इज समथिंग फिनोमिनल. मतलब आपको कभी किसी को बताना नहीं पड़ता कि अरे आज मैं उस स्टूडियो में काम कर रहा हूँ. आप कहीं पर भी उमरगांव में शूट कर रहे हो, चाहे आप बीच पे शूट कर रहे हो, आपके खाने का डब्बा वही आ जाएगा और आपको जो चाहिए होगा वो आ जाएगा. तो आपको किसी को जाकर बताना पड़ता. सो इतना अच्छे से स्वास्तिक भी अपना करता है. बट या आई विल नॉट लाइफ, बट आपने मुझे पूछा कि आज तक लाइफ में आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्शन हाउस कौन रहा है, यस इट हैज बीन दिया. और जो एंड हर अपने आप में बेस्ट है, बट उन बेस्ट में से आपको अगर किसी को चुनना है तो यस इट इज. आई एज अ सेड यू नो एवरी प्रोडक्शन, मैंने हर बड़े प्रोडक्शन के साथ ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की जहां पर कोई चीजों का स्ट्रेस नहीं होता. लेकिन अच्छा, इनमें से जितने भी प्रोडक्शंस के साथ मैंने काम किया, हमें सुनने में मिलता है यार एक्टर्स दिन रात काम कर रहे थे. ये ऐसे प्रोडक्शंस है जो 12 घंटे के आगे खुद काम नहीं करते. तो अच्छा 9 बज के चलो टाइम खत्म, चलो घर जाते यार, फैमिली है घर पे यार, टाइम बिताना है परिवार के साथ. ऐसे ऐसे प्रोडक्शंस है सब तो. लेकिन स्ट्रेस में काम ही नहीं होता है. वहां पर क्या होता है, जस्ट वर्क इज नॉट योर लाइफ, वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये वैल्यू को वैल्यू करने वाले प्रोडक्शंस है ये सब. आई मस्ट से यू आर सो फॉर्चुनेट एंड बोलते ना ब्लेस्ड विद ऑल दिस थिंग्स कि आपके अराउंड में इतने अच्छे लोग आपको मिले. ओके, जी. सो किंचुक आई रियली वांट टू नो कि आप बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अभी तक इंडस्ट्री में काम किया तो अपने आप को कैसे देखते हैं, लाइक ये इंडस्ट्री को आप कैसे परस्यू करते हैं कि इट्स वेरी वेलकमिंग और वार्मिंग लोगों को लेकर, या फिर थोड़ा पिकी चूजी लाइक आपके कनेक्शन है कॉन्टेक्ट है तो ही आप इसमें सस्टेन कर सकते हो, आपको ऐसा कभी कुछ लगा? पर्सनली मैं कहूँ तो मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, मेरी फैमिली में से कोई भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है. किसी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इंडस्ट्री से. बट या किसी क्या है, अगर आप में टैलेंट है, आप में वो बात है, सो एवरीवन रिस्पेक्ट्स इट बिकॉज आपको दिखाई देती है चीजें. कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी पहचान है, आपके रिलेटिव है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा इजीली मिल जाती है. तो प्रॉब्ली आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल करना मुश्किल होता है. बट अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको इजीली मिलकर भी अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. बट अगर आपके पास टैलेंट है, इफ यू वर्क हार्ड इनफ, प्रॉब्ली यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी लिटिल लेट, नॉट वेरी इजीली. Also, you will not get many opportunities. You will probably get just one opportunity, and you have to make the best out of it. Like, you know, prove your worth, prove your talent, everything. हर चीज आपको तभी एक ही अपॉर्चुनिटी में प्रूव करनी होगी. अगर प्रॉब्ली आपको किसी का बैकिंग है तो आपको प्रॉब्ली 3 4 अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे. बट आप में वो बात भी होना जरूरी है तभी आप सस्टेन कर पाओ. दिस इज द रियलिटी आई थिंक अबाउट इट. अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहो, बट इट्स नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ओके,
एंड रियली वॉन्ट टू नो कि अगर आपको कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला, वी रियली डोंट वॉन्ट टू नो कि कौन सा प्रोजेक्ट था, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ कि बहुत ज्यादा तक आपने ऑडिशन दे दिया है, शूट भी कर लिया है, और फिर आप ऑन फ्लोर आपके जो एपिसोड है या शूट है वो आए नहीं और रिप्लेस कर दिए गए, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं मतलब एपिसोड वगैरह शूट नहीं किया मतलब हाँ, बट कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जहाँ पर मॉक शूट किया है, चीजें लॉक हो गई है। बट वो इस वजह से नहीं रहे कि किसी और का मतलब बेटर कनेक्शन या कुछ ऐसे रहा है, लास्ट मिनट पे आके उनको लग रहा था कि नहीं यार ये बहुत छोटा लग रहा है। सो या ओके सो बट आई थिंक अभी शायद, लेकिन आप कभी कभी सोचते हो कि यार मैं छोटा लग रहा हूँ, आई डू आई स्टिल लुक वेरी यंग और समथिंग, बट आई थिंक वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक प्रोबेबली व्हेन एवरीवन स्टार्ट लुकिंग ओल्ड आई स्टिल लुक यंगर एंड कीप ऑन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके ऑन अ लाइटर नोट, वी रियली वांट टू नो कि सब कोई कोविड के टाइम में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली प्लान कर रहा है, या तो शादियां कर रहा है, या कुछ मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है. सो व्हाट इज योर प्लान इन दिस लॉकडाउन पीरियड? लाइक आप कब अपने लाइफ में आगे जाने वाले हो इन सब चीजों में से? फिलहाल तो बस काम को लेकर बिजी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव जैको नाउ, आई डोंट नो इफ यू नो हिम नो, जैको डूड इज माय न्यू डॉगी एंड ही इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो काम के अलावा जितना वक्त मिलता है वो सारा वो ले लेता है। इनफैक्ट अभी भी वो यहाँ दौड़ रहा था, बहुत छोटू सा है वो। या सो एज आई वाज सेइंग कि सुमेधा चिकू, पहले मैंने बताया था, अभी नहीं बताया। सो मेरा चीकू, आई हैव चाकू, एंड आगे जाकर हम इनकी प्लानिंग करते हैं अपने प्लानिंग से ओके पहले। एंड व्हाट अबाउट मैरिज प्लान्स? नो मैरिज प्लान्स फॉर दिस ईयर? नथिंग एज ऑफ नाउ, नथिंग एज ऑफ नाउ, अभी बस थोड़ा जी जान लगा कर काम कर रहे हैं। ठीक है. और हमने देखा कि आप गिटारिंग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी इन इस पीरियड, गिटार बजाते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से बजाते हैं. सो हैव यू टेकन एनी कोचिंग और क्लासेस फॉर दिस? नो सो आई यूज्ड टू लर्न गिटार व्हेन जब मैं कॉलेज में था। मेरे सर थे रमेश अय्यर, रमेश अय्यर जी वाज आरडी बर्मन्स गिटारिस्ट, तो नीले नीले अंबर और ये सारे गानों में इन्होंने गिटार बजाई थी एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स में भी। ही इज नो मोर राइट नाउ, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर दैट्स इट। बट हाँ, पिछले बार लॉकडाउन में मुझे इतना सारा वक्त दिया था कि मैंने फिर गिटार बजाना शुरू किया था, एंड मैंने फैन से कहा था कि आई विल कीप ऑन प्लेइंग इट, बट ऑफ कोर्स वर्क डिडंट अलाउ मी टू कीप ऑन प्लेइंग गिटार। बट अब जब वापस लॉकडाउन हुआ है तो आई थिंक आई कैन स्टिल गेट बैक टू इट एंड मेक टू और थ्री वीडियोस फॉर द फैंस। एंड व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स? आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू प्ले रियली वेल और गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं आप? हाँ, कोई टीचर इनफैक्ट गेट फैन ने बहुत सरप्राइज? मैसेज भी किया कि सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप गिटार बजाते रहेंगे, आप इतने अच्छे वीडियोस बना रहे थे लॉकडाउन में बैठकर, अब कहाँ चले गए वीडियोस, आप क्यों नहीं बना रहे। सो या थिंक पीपल आर एंजॉइंग, एंड ऑल्सो आई थिंक द नंबर्स दैट आई बी प्लेइंग आर इन देमसेल्फ वेरी लेजेंडरी एंड फिनोमिनल नंबर्स, बहुत लाइक ना सूदिंग है जब आप घर पे बैठे हो, आप वो सॉफ्ट नंबर्स चला दो तो वैसे है, तो आई थिंक लोगों ने काफी एंजॉय किया। सो आई थिंक अब वापस कुछ बना के 2 4 दिनों में डालता हूँ फैंस के यूट्यूब पर। ओके ऑन अ लाइटर नोट, क्या कहना चाहोगे अपने फैंस से? एंड इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. मतलब आपने जितना खुल के हो सकता था सब कुछ अच्छे से बताया और मतलब अपने फैंस को जानने का मौका दिया. तो क्या कहना चाहोगे फैंस से? No, so it is always good to talking to fans. मुझे बहुत मजा आता है। इनफैक्ट जब इंस्टा पे भी लाइव करने बैठता हूँ फैंस के साथ तो पता नहीं चलता, एक एक डेढ़ घंटे बातें करते हुए निकल जाती है, बिकॉज किसी ना किसी को लाइव देख कर गप्पे मारते रहते हैं। सो बस फैंस से तो हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है एंड ऐसे ही देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आई विल ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद गुड एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर यू गाइज एंड on entertaining you guys. थैंक यू सो मच किंशुक फॉर टॉकिंग टू Thank अस, you. और विल गेट बैक टू यू सून अगेन फॉर सम Sure. वर्क. Yes, थैंक done, यू done. सो मच, Thank you so थैंक यू सो much. मच, थैंक Next time I यू, think हम सब बाय. घर के बाहर मिलेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी करेंगे, एंड डेफिनेटली श्योर. so in a way it is just wishing that all these lockdown and all these things end up soon. So indirectly we are wishing for the whole world to heal.
या जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि ये सब चीजें ठीक हो जाए और वापस से चीजें नॉर्मलाइज हो जाए सबके लिए. थैंक राइट, ठीक है, चलो आप यू ध्यान सो मच. रखिए, बाय थैंक यू जैको, सो जैको मच. बाय बोलो, थैंक थैंक यू बाय. टेक यू, केयर. बाय बाय। बाय. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh and you're watching us on Glitz Vision USA.